नवगछिया की धरती पर शिक्षा के क्षेत्र में एक नई क्रांति के साथ टाटा पब्लिक स्कूल, एक ऐसा विद्यालय जहां फ्री हो रहा नामांकन और ना ही है हर साल रिन्यूअल का झंझट। देश के अलग अलग राज्यों के प्रशिक्षित शिक्षक शिक्षिकाएं आपके बच्चे के भविष्य का करेंगे निर्माण। कक्षा नर्सरी से आठवीं तक, बस की सुविधा, हॉस्टल की सुविधा, बॉटिक्स फैसिलिटी, लैब फैसिलिटी के अलावा सभी अत्याधुनिक व्यवस्थाओं के साथ अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य हेतु आज ही संपर्क करें। टाटा पब्लिक स्कूल, 0 Mile NH 31, नवगछिया। मोबाइल 9031979707, 9031979708। नए सत्र में निशुल्क नामांकन प्रारंभ है। नवगछिया एसपी कार्यालय में किया गया अपराध गोष्ठी का आयोजन। पिछले माह नदी थाना रहा नंबर 1, रंगरा और गोपालपुर क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर। नवगछिया एसपी कार्यालय में शुक्रवार को मासिक अपराध गोष्ठी का आयोजन एसपी सुशांत कुमार सरोज के नेतृत्व में किया गया। अपराध गोष्ठी के बाद नवगछिया के एसपी सुशांत कुमार सरोज ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि पिछले माह में हुए कांडों की समीक्षा की गई। ये देखा गया कि दर्ज कांड की संख्या के बराबर 1.5 गुना कांडों का निष्पादन किया गया है या नहीं। कई थानों ने अच्छा काम किया जबकि कई थाने अपने लक्ष्य से पीछे रहे। पिछले माह ओवरऑल सबसे अच्छा प्रदर्शन नदी थाने का रहा और रंगरा ओपी और गोपालपुर थाना क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहा। जबकि CTNS इंट्री के मामले में नवगछिया आदर्श थाना पहले स्थान पर, इस्माइलपुर थाना दूसरे स्थान पर और बीरपुर थाना तीसरे स्थान पर रहा। नवगछिया के एसपी ने कहा कि जो पुलिसकर्मी एंट्री करते हैं वैसे पुलिसकर्मियों को भी विवाद दिया जाएगा। नवगछिया के एसपी ने कहा कि पिछले माह जिले की पुलिस ने अच्छा काम किया और ज्यादा गानों का निष्पादन किया। जाम की समस्या पर नवगछिया एसपी ने कहा कि कमोबेश पुलिस जवानों ने अधिक मेहनत कर नवगछिया क्षेत्र में विक्रमशिला सेतु और पथ को जाम से मुक्त करवा दिया। इसके लिए पुलिस निरंतर मेहनत कर रही है। उन्होंने कहा कि विक्रमशिला सेतु और पथ नो ओवरटेक जोन है। ऐसी स्थिति में आम लोगों से अपील की है कि वो किसी भी सूरत में ओवरटेक ना करें और अगर ओवरटेक करते हुए गए तो निश्चित रूप से वैसे वाहन चालकों से जुर्माने की राशि वसूली जाएगी। ये देखिए, हम लोगों का ये नियमित अपराध गोष्ठी बैठक होती है। इसमें हम लोग बीते माह में जो भी केस दर्ज होता है उसका संधान की स्थिति क्या है या बीते माह हमने कितना डिस्पोजल किया। हम लोगों का टारगेट रहता है जितना रिपोर्टिंग केस होता है उससे कम से कम 1.5 गुना ज़्यादा हम डिस्पोजल करें। कोई कोई थाना सफल भी हुआ है, कोई कोई थाना सफल नहीं हुआ है। उनको फिर हमने मौका दिया है इस महीने अपना फिगर ठीक कर लें। इसके अलावा फिर जो वारंट है, इजहार है, कुर्की है या विभिन्न ऑफिस से परिवाद आता है, विभिन्न आयोग से परिवाद आता है, उसका सही समय पर जाँच हो जाए वो भी हम लोग इंश्योर करते हैं। इनसे हम लोग बात करते हैं और उनको तो मॉनिटर भी करते हैं कि किस थाना प्रभारी ने कितना उसका अनुपालन किया या नहीं किया। उसके बाद हम लोग रैंकिंग भी करते हैं। जितना हमने बताया सारे काम के आधार पे एक रैंकिंग हम लोग करते हैं। जो अच्छा काम करता है, जो थाना पर अच्छा काम करता है, हम लोग उसको रिवार्ड देते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड रिवार्ड देते हैं। इस बार जो है वो रैंकिंग में पूरा फर्स्ट रिवार्ड मिला है थाना पर नदी को, दूसरा मिला है इस्माइलपुर को, तीसरा मिला है। हर दिन सस्ता सस्ता बाजार, किसी भी तरह के घरेलू किराना सामान के लिए अब बाजार जाने की जरूरत नहीं। राशन पानी मंगवा लें घर बैठे ऑनलाइन, 10% तक की छूट के साथ 20 किलोमीटर की परिधि में फ्री डिलीवरी। स्टोर पर करें खरीदारी, घर पर फ्री पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी। आज ही पधारें सस्ता बाजार फूड प्लाजा के समीप, 0 Mile नवगछिया, या कॉल करें 7319666731। हर दिन सस्ता सस्ता बाजार। अगरपुर के ततारपुर थाना क्षेत्र के सूरी टोला मोहल्ले में छापेमारी के दौरान 20 बोतल कफ सिरप के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया गया। भागलपुर के ततारपुर थाना क्षेत्र के सूरी टोला मोहल्ले में छापेमारी के दौरान 20 बोतल प्रतिबंधित कफ सिरप के साथ अशोक साह को गिरफ्तार किया गया। वहीं ततारपुर थाना प्रभारी सुनील कुमार झा ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर SIT व ततारपुर थाने की पुलिस के द्वारा छापेमारी के क्रम में मंदरोजा निवासी अशोक साह के घर से 20 बोतल प्रतिबंधित कफ सिरप के साथ अशोक साह को गिरफ्तार किया
किया गया, जबकि अशोक शाह का पुत्र मिक्कू शाह उर्फ पृथ्वी शाह फरार बताया जा रहा है। जबकि कफ सिरप का कारोबार मिक्कू शाह उर्फ पृथ्वी शाह ही किया करता था। हालांकि घर अशोक शाह का है और कफ सिरप घर में ही बरामद किया गया। अशोक शाह को उसी बिना पर गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेजने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। नवगछिया बाजार के ज्वेलरी दुकानदार को 31,500 का चूना लगाया। नवगछिया बाजार के ज्वेलरी दुकानदार को 31,500 की चपत लगाई। इस संबंध में नवगछिया बाजार के विक्रम भुटोलिया ज्वेलरी दुकानदार ने बताया कि एक व्यक्ति मेरी दुकान में अंगूठी खरीद करने आया था। उसने 31,500 रुपए की अंगूठी पसंद की। अंगूठी पसंद करने के बाद उसने गूगल पे फोन से भुगतान का मैसेज किया। उसका मैसेज आते ही मोबाइल स्विच ऑफ हो गया, जबकि मोबाइल 15% चार्ज था। उसने मैसेज दिखाकर दुकान से चला गया। मोबाइल चार्ज कर बैलेंस चेक किया तो उसका मैसेज आया ही नहीं था। आरोपित का चेहरा सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। इस संबंध में ज्वेलरी दुकानदार विक्रम भुड़ोलिया ने नवगछिया थाने में प्राथमिकी के लिए आवेदन किया है। मैं विक्रम कुमार, विक्रम ज्वेलर्स मेन रोड नवगछिया का ओनर हूं। मेरे साथ कल 4 बजे एक घटना घटी, जो कि इस प्रकार है कि एक कस्टमर मेरे दुकान पे आया। आने के बाद हमें पूछा कि मुझे एक अंगूठी चाहिए, तो मैंने उसको कहा कि ठीक है दिखा देता हूँ। तो मेरे पास 4-5 अंगूठी थी जो मैंने उसको दिखाया, जिसमें वो 3 अंगूठी पसंद किया। तो कुल मिला के 6 ग्राम की अंगूठी थी, 31,500 का बिल हुआ। तो उसने मुझसे कहा कि मुझे मोबाइल नंबर दीजिए, मैं ऑनलाइन पेमेंट मंगा देता हूँ। तो मैंने उनको मोबाइल नंबर दिया, ऑनलाइन पेमेंट मंगा दिया। और मंगाने के क्रम में जो है कि मेरे पास मैसेज आया ICICI बैंक का कि कैश डिपॉजिट इन 31,500। तो मैंने सोचा कि पेमेंट आ गया, तो मैंने उसको कहा हाँ पेमेंट आ गया, तो मैंने उनको सामान दे दिया। इतने में मेरा मोबाइल 15% चार्ज होने के बावजूद भी स्विच ऑफ हो गया। तो मैंने उसको ऑन करके मेन बैलेंस देखना चाहा, तो जो कि मेरे बैलेंस मोबाइल में बैलेंस नहीं आया। तो मैंने उसके पीछे दौड़ा भी, जब तक वो 9:11 हो चुका था। तो मतलब कितने सामान उसने खरीदे, कितने रुपए के सामान खरीदे? 31,500 के सामान। और क्या क्या उसमें सामान है? 3 सोने की अंगूठी है। और 31,500। उसके बाद आपने बैंक पता किया कि मैसेज क्या था? नहीं था। मैं बैंक गया तो बैंक में ये पता चला कि जिस अकाउंट से पैसा ये भेजा है तो वो अकाउंट नंबर बंद, कई वर्षों से बंद पड़ा हुआ है। तो जब अकाउंट नंबर बंद है तो आपके नंबर पर मैसेज कैसे आ गया बैंक? यही तो मुझे आश्चर्य है। बैंक ने क्या कहा इस संबंध में आपको? बोला कि नहीं, ये कुछ नहीं हो सकता इसका। तो मैसेज क्या, वो मैसेज बैंक का है या नहीं जो आपके मोबाइल में आया? वो बैंक का है। तो बैंक का ही मैसेज है? हाँ। जमा होने का मैसेज है? वो हमें तो नहीं मालूम जमा होने का मैसेज क्या है, लेकिन मेरे पास मैसेज आया है, बस इतना हम जानते हैं। बस तो बराबर ही मैसेज आते रहता है। आने के क्रम में जो है कि हम लोग देखते हैं मैसेज आया है, ठीक है पेमेंट है, क्लियर हो गया, अब चेक करते तो हाँ आ गया, लेकिन कल में इस धोखाधड़ी के पेड़ में पड़ गया। नवगछिया की धरती पर त्योहार और उत्सव पर सुंदरम की एक और प्रस्तुति, सुंदरम स्वीट्स। अब कीजिए सुंदरम स्वीट से मुंह मीठा। देसी शुद्ध घी से बने मिठाई, रसगुल्ला और एक से बढ़कर एक मिठाई और नमकीन के लिए जरूर पधारें। सुंदरम स्वीट, सुंदरम फास्ट फूड के सामने, राजेंद्र कॉलोनी मोड़, स्टेशन चौक, नवगछिया। 12 अगस्त से आपकी सेवा में। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। पुत्र के लिए दवा लेने 0 माइल आई वृद्धा की सड़क हादसे में हुई मौत। पुत्र के लिए दवा लेने विजय घाट से 0 माइल आई एक वृद्धा की मौत सड़क हादसे में हो गई। हादसे के तुरंत बाद NHI के एम्बुलेंस से वृद्धा को गंभीर अवस्था में नवगछिया अनुमंडल अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वृद्धा की पहचान मधेपुरा जिला के लोवाल गांव बिंद टोली निवासी रामजी महतो की पत्नी दारू देवी की मौत हो गई है। दोपहर बाद पुलिस ने वृद्धा के शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया था। स्थानीय लोगों ने बताया कि 0 माइल स्थित पेट्रोल पंप के पास सड़क पार करने के क्रम में वृद्धा एक हाईवा की चपेट में आ गई। घटना के बाद हाईवा चालक हाईवा के साथ भागने में सफल रहा। पुत्र सुदीन महतो ने बताया कि वो अपनी मां के साथ करीब 1 माह से विजय घाट में रहकर तरबूज बेचते हैं। सुदीन ने बताया कि कल शाम से उसे बुखार हो गया था। जब सुबह तक तबीयत ठीक नहीं हुई तो उसकी मां ने उसे कहा कि मैं 0 माइल से दवा ले आती हूं। सुदीन ने कहा कि उसने अपनी मां को रोका, लेकिन वो बोली कि मैं तुरंत दवा ला देती हूं। इसके बाद वो पैदल ही 0 माइल चली गई। जब काफी देर तक इसकी मां नहीं आई तो उसे किसी ने फोन पर घटना की जानकारी दी, जिसके बाद वो अस्पताल पहुंचा। दारू देवी अपने पीछे
पहुंचे तीन पुत्रों श्रवण महतो, सुदीन महतो और सुनील महतो के भरे पूरे परिवार को छोड़ गई। मामले की प्राथमिकी नवगछिया थाने में दर्ज कर ली गई है। की करे छु तरबूज बेचे छु माक नाम से दारू देली घटना होला छे बीमार रही है हमें जार बुखार ले ने दवाई ले ले हमरा मा जीव मा ले ले दवाई ले ए घटना हो गेले इन की भेल घटना घटना एक्सीडेंट हो गेले हमरा मा की नाम छ सो दारू दे बी छे पिताजी नाम राम जी महतो घर लवाल गाम बिनटोली थाना चौसा जिला मधेपुरा कहाँ से आबे राम मम्मी ई नवशापुर से नवशापुर कौन तरबूज बेचे बेचे रही कहीं तो वहाँ विजय घाट अच्छा कब से बेचे थे यहाँ एक लमसम महीना से बेच रहे थे तो की हो रहे जो यहाँ इन्हें ले दवाई ले रहे हम तो दवाई तेरा की हो रहे जार बुखार रहे कहिया से राती से अच्छा दवाई ले जीरो मैल थमर मैं यहाँ एक्सीडेंट हो कै बजे निकल रहा हूँ वहाँ से 8 बजे निकल रहा हूँ बोल रहे हैं हाँ 8 बजे के बाद हम आए फोन अल घर से 9 बजे की तरह हम एडजस्ट करी गए एक्सीडेंट से फिर वो अठा समय तुरंत टेम्पू पकड़े तुरंत आ गए यहाँ जीरो मैल में पता लग गए कतः कल के नहीं है कतः कल के एक आदमी बतल के हाँ हो रहा है वाली पेट्रोल पम्प के पास तब करिए कौन चीज कहाँ से कल के थाना से थाना के लिए थाना से करके कौन चीज अथी में से हॉस्पिटल में से की नाम तोरा हमारा नाम है सुदीन महतो क्या भाई के तीन भाई छे की सब नाम है एगो को छे सरवण महतो बड़ा जे छे सरवण महतो दूसरा नंबर सुदीन महतो तीसरा नंबर सुनील महतो तोरे तबियत खराब है हाँ हमरे रे तबियत खराब आरो सब भाई की करे छे आरो सब भाई छे ये घरे पर छे एक भाई खेती में छे लागल छे बाबूजी सर्गवास 3 साल हो गए बाबू के। आइए नजर डालते हैं कुछ छोटी छोटी खबरों पर। गोपालपुर थाना क्षेत्र के मगनपुर चौक और मुरली चौक के बीच NH 31 पर कार्य कर रहे मजदूर सड़क दुर्घटना में घायल हो गया। घायल मजदूर मुजफ्फरपुर का रहने वाला देवन ठाकुर है। वह NH 31 पर रोड के किनारे कार्य कर रहा था, इसी दौरान ऑटो ने टक्कर मार दी जिससे वह घायल हो गया। उसे इलाज के लिए अनुमंडलीय अस्पताल स्थानीय लोगों ने पहुंचाया। घायल की स्थिति गंभीर को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए भागलपुर स्थित मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया गया। नारायणपुर प्रखंड के बैकेटपुर दुधेला पंचायत अंतर्गत अटगावा गांव में शुक्रवार को बिजली के शॉर्ट सर्किट से आग लगने से मनीलाल मंडल और वशिष्ठ मंडल का घर पूरी तरह जल गया। ग्रामीणों ने आग पर काबू पाया मनीलाल का 25 क्विंटल मकई तो वशिष्ठ मंडल का 18 क्विंटल मकई जलकर राख हो गया। पंचायत के मुखिया अरविंद मंडल ने अग्निपीड़ित को सूखा राशन दिया। मुखिया ने नारायणपुर CO अजय कुमार सरकार से मुआवजा देने की मांग की। CO ने कहा कि सरकारी नियमानुसार मुआवजा मिलेगा। गोपालपुर थाना के भवानीपुर निवासी ठाकुर पासवान के पुत्र सीताराम पासवान बाथरूम का दीवार गिरने से गंभीर रूप से घायल हो गए। परिजनों ने उसे इलाज के लिए अनुमंडलीय अस्पताल नगोछा पहुंचाया। परिजनों ने बताया कि सीताराम पासवान बाथरूम गए थे, इसी दौरान उनके शरीर पर दीवार का एक भार गिर गया जिससे वह घायल हो गए।